गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आपको आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो इस समय टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है, और उस टॉपिक का नाम है, उस चैप्टर का नाम है विलयन या सोल्यूशन। सोल्यूशन में हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली हैं। हमने विलयन के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का विलयन में, वो था आदर्श अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम, विलयन के अणुसंख्य गुण, विलयन के असामान्य अणुसंख्य गुण। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लासेस तक स्टडी कर ली है, लगभग फिनिश कर लिया है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसका नाम है किसी गैस की जल में विलेयता। गैस की जल में या किसी द्रव में विलेयता, गैसों की जल या किसी द्रव में विलेयता। देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, उन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लीजिए, जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को बहुत हिला के शेक करके और तब ढक्कन को खोलेंगे तो बहुत सारा झाग निकलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडा बॉटल में या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके, उस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोल करके तब उस बॉटल में सील पैक किया जाता है। ऐसे आप देखते होंगे कि तालाबों में, झीलों में, पोखरों में, नदियों में मछलियां और बहुत सारे जलीय जंतु पानी के अंदर जीवित रहते हैं। क्यों जीवित रहते हैं? जीवधारियों को जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत जरूर पड़ती है, तो उनको पानी में ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? क्योंकि पानी में, जल में, तालाब के जल में, झील के जल में, पोखरों के जल में, नदियों के जल में, समुद्र के जल में, इन सभी जलों में ऑक्सीजन घुलित अवस्था में रहती है। तो बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हैं जिसमें हम देखते हैं कि गैसें जल में विलीन हो जाती हैं, जल में घुल सकती हैं। तो गैसों की जल में जो विलेयता होती है, तो विलेयता क्या होती है? गैसों की जल में विलेयता, विलेयता को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो गैसों की जल में जो विलेयता होती है वो गैस का, इस पहले बात, ताप स्थिर रहना चाहिए, स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन, किसी स्थिर ताप पर और स्थिर दाब पर किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो जल के या किसी द्रव के एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विलीन होकर संतृप्त विलयन बनाती है, उसे कहते हैं उस गैस की विलेयता, उस गैस की, उस द्रव में विलेयता। तो देखिए, स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन जो जल या द्रव के एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विलीन होकर संतृप्त विलयन
बनाता है विलेयता कहलाता है, विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो यह तो हुई विलेयता की परिभाषा कि किसी गैस का किसी द्रव में विलेयता से क्या तात्पर्य है। तो यह तात्पर्य मैंने आपको समझाया, यह परिभाषा समझाई कि किसी गैस का किसी द्रव में विलेयता कहते किसे हैं। अब यह किन कारकों पर निर्भर करती है, तो जो देखिए विलेयता, विलेयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है किन कारकों पर। पहला कारक है गैस और विलायक की प्रकृति पर, गैस या विलायक की प्रकृति पर, गैस और विलायक की प्रकृति पर। इसका मतलब समझिए, विलेयता मतलब विलीन होने की क्षमता, गैस की द्रव में विलीन होने की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो पहला जो कारक है वो है गैस या विलायक की प्रकृति पर। गैसें देखिए दो तरह की होती हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि गैसों को दाब डालकर या ताप को घटाकर द्रवित किया जा सकता है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, आसानी से द्रवित हो जाती हैं, यानी जिनके क्रांतिक ताप बहुत ज्यादा होते हैं, वो गैसें आसानी से किसी भी द्रव में घुल जाती हैं, यानी उनकी विलेयता भी ज्यादा होती है। किसी द्रव में किसी गैस की घुलने की जो क्षमता, या जल में हम सिंपल बात करें, जल में कोई गैस कितना आसानी से घुलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो गैस कितना आसानी से द्रवित हो सकता है। दूसरी बात, जल में जिस गैस को घोल रहे हैं वो गैस अगर जल से या विलायक से अभिक्रिया कर सकती है तो उसकी विलेयता ज्यादा होती है ना। तो देखिए विलेयता, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, वह किसी विलायक या जल में आसानी से घुल जाती है अर्थात उनकी द्रव में विलेयता अधिक होती है। एक कारक यह हो गया गैस की प्रकृति। दूसरी बात यहां पे नोट कर लीजिए, तो रफ करके लिखता हूं। दूसरा जो कारक है, जो गैसें जल या विलायक से अभिक्रिया करती हैं, वह उसमें आसानी से विलीन हो
हो जाती है। तो ये दो कारक हैं, दो फैक्टर हैं, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि गैस अगर आसानी से द्रवित हो सकती है तो उसकी जल में विलेयता अधिक होगी, या अगर गैस जल से अभिक्रिया कर सकती है तो उसकी विलेयता जल में अधिक होगी। नोट करिए इसको। जैसे उदाहरण के तौर पर समझने के लिए, यदि उदाहरण से समझने का प्रयास किया जाए, उदाहरण तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया आदि गैसें जल में आदि गैसों की जल में विलेयता ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन आदि गैसों से अधिक होती है। मतलब समझिए कि ये जो गैसें हैं ये जल से अभिक्रिया भी कर सकती हैं और आसानी से द्रवित भी हो जाती हैं, इसलिए ये जल में अधिक विलीन है, इनकी विलेयता जल में अधिक है, जबकि ये उतनी आसानी से ना तो द्रवित होती हैं और ना ही जल से ये अभिक्रिया करती हैं, तो इसलिए इनकी जल में विलेयता कम है। दूसरा फैक्टर की बात करें, ताप। ताप पर किस तरह से विलेयता डिपेंड करती है, यानी निर्भर करती है। तो ताप देखिए ऐसा है कि जब किसी गैस को किसी द्रव में विलीन किया जाता है तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, विलयन बना और इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है और उत्क्रमणीय है। तो जो साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाएंगे, देखिए ताप अगर किसी कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और साम्यावस्था पर है तो ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा होगा, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा होगा। तो ताप बढ़ाने पर देखिए अग्र दिशा में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है तो पश्चिम दिशा में ऊष्मा अवशोषित होगी, तो इसका मतलब ये पश्चिम दिशा में शिफ्ट हो जाएगा और पश्चिम दिशा में विलयन से गैस बाहर निकलने लगेगा यानी विलेयता घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था या यहां पर साम्यावस्था का प्रयोग नहीं करते हैं, ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था पश्चिम दिशा में चली जाएगी और विलयन में घुली गैस बाहर निकलने लगेगी,
बाहर निकलने लगेगी। और अगर गैस बाहर निकलने लगी तो गैस की जल में विलेयता घट जाएगी। अतः गैसों की ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, विलेयता घट जाती है। तो यह ताप का प्रभाव है। तीसरा प्रभाव देखते हैं दाब का। दाब का प्रभाव, वैसे तो दाब अगर हम बढ़ाएंगे, भाई देखिए ये एक बर्तन है, इसमें एक द्रव है और इसके ऊपर यहां पे गैस है, ये पिस्टन लगा है। अब पिस्टन से अगर दाब बढ़ाएंगे तो गैस कहां जाएगा? द्रव में जाएगा, यानी विलेयता बढ़ेगी। यानी दाब बढ़ाने पर द्रव गैसों की विलेयता बढ़ती है, लेकिन दाब का विलेयता पर एग्जैक्ट क्या प्रभाव पड़ता है यह बताया हेनरी ने, जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। तो दाब बढ़ाने पर गैसों की जल में विलेयता बढ़ती है, जल में विलेयता बढ़ती है, गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम द्वारा समझा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो अब हेनरी का नियम क्या है यह हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए हेनरी के नियम समझते हैं। हेनरी का नियम यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस पूछे आते हैं हेनरी के नियम पे। बाकी ये जब से सब चीजें हमने आपको समझाने के लिए बताई, बेसिक है भाई, गैसों की विलेयता समझ में आएगी तभी बाकी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए हमने पहले विलेयता पर विचार किया, विलेयता को पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो हेनरी का नियम हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम देखिए, दाब के प्रभाव को समझाया तो उन्होंने बताया कि अगर ताप स्थिर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसी विलायक के दिए गए आयतन में, किसी विलायक के नोन आयतन में, दिए गए आयतन में जो गैस हम विलीन करते हैं
उस गैस का द्रव्यमान गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये देखें, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के दिए गए आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान गैस के विलयन पर दाब के समानुपाती होता है। क्लियर सी बात है कि भाई जैसे आपने एक ये बर्तन लिया, एक पात्र लिया, इसमें कोई विलायक भरा है, कोई द्रव भरा है, जल है, जल सबसे बेहतरीन उदाहरण है, इसके ऊपर गैस है, तो गैस ये बंद बर्तन है, तो गैस के अणु जब बर्तन की दीवार से टकराते हैं तो गैस का दाब उत्पन्न होता है। गैस का जो आंतरिक दाब है वो गैसों के बर्तन की दीवार से टकराने पर उत्पन्न होता है। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो ये जो गैस का दाब, गैस जो दाब द्रव पर डालेगा, वो दाब गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होगा। यानी कि अगर गैस का द्रव्यमान m है तो m होगा समानुपाती किसके, p के, गैस के दाब के समानुपाती होगा जो विलयन पर या द्रव पर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये m1 अपॉन m2 का मान हो जाएगा p1 अपॉन p2, और इनके बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट करें, यहां पे इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, m यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा, k into p एक नियतांक है। तो अगर इधर m को प्रदर्शित किया जाए और इधर p को प्रदर्शित किया जाए तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सीधी रेखा मिलेगी जो कि मुख्य बिंदु से पास होगी, क्योंकि y = mx को ये प्रदर्शित करेगा, y = mx, ठीक है। तो ये जो है ये हेनरी का नियम है, लेकिन आरंभिक अवस्था में हमने द्रव्यमान के पदों में व्यक्त किया है। जबकि यहां पे अगर गैसों की बात की जाए तो अगर वायु भी है तो वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है, तो अगर मिश्रण की बात हुई, गैसीय मिश्रण की बात हुई, तब द्रव्यमान की बात नहीं होगी, तब उसके मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज की बात होगी। तो गैस का मोल प्रभाज आंशिक दाब, क्योंकि मिश्रण हो गया, एक से ज्यादा गैस हो गई, एक से ज्यादा गैस में हर गैस का जो इंडिविजुअल दाब होता है उसको कहते हैं आंशिक दाब। तो द्रव्यमान की जगह मोल प्रभाज हो जाएगा और दाब की जगह गैस का आंशिक दाब हो जाएगा, और जो नियतांक आएगा उसको हेनरी नियम नियतांक कहेंगे, हेनरी नियम नियतांक या हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको नोट कर ले, यहां पे जहां m जो है, m गैस का द्रव्यमान है, विलायक के एकांक आयतन में घुली
गैस का द्रव्यमान और दापी क्या है, पी आपका दाब है, है ना, स्पष्ट लिखा जाए तो गैस जो विलयन के साथ साम्यावस्था में, गैस का विलयन के साथ साम्यावस्था में दाब है, साम्यावस्था में दाब है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो के का मान बता देते हैं, के क्या कहते हैं, के किसे कहते हैं, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, के जो है एक नियतांक है, जिसका मान गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप एवं दाब के मात्रक पर निर्भर करता है। के जो है वो नियतांक तो है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो जो गैस आपने घोली है उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब गैस कौन सी घोली है, आसानी से द्रवित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, जिसमें गैस को घोला जा रहा है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और ताप पर निर्भर करता है, और दाब के मात्रक पर निर्भर करता है, दाब पर नहीं, दाब के मात्रक पर निर्भर करता है, ठीक है। मोल प्रभाज के पदों में हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली न्यूमेरिकल से मतलब है, इसमें बहुत डिटेल नहीं है। इस फिगर के माध्यम से ही समझ सकते हैं, यहां पर एक गैस ना होकर गैसियस मिक्सचर अगर हो जाए, मतलब एक से अधिक गैसों का मिश्रण, तो हर गैस अपना अपना दाब डालेगा, तो जब मिश्रण में गैस, किसी पर्टिकुलर गैस, कोई निश्चित गैस मिश्रण में, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन गैसें हैं, तो नाइट्रोजन अपना दाब डालेगा, हाइड्रोजन अपना दाब डालेगा, ऑक्सीजन अपना दाब डालेगा, तो इनका जो इंडिविजुअल दाब है गैसों का, उसे हम कहते हैं आंशिक दाब, है ना। और अब गैसों के द्रव्यमान की बात नहीं होगी, अब गैसों के मोल प्रभाज की बात होगी। तो इसके देखिए, हेनरी नियम के अनुसार, हेनरी के नियमानुसार क्या बताया, इसके लिए स्थिर ताप पर, ताप स्थिर रहेगा, गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है,
मतलब मोल प्रभाव जो है, यानी ये देखिए गैस का आंशिक दाब, मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहां से एक नियतांक आ जाएगा जिसे हम प्रदर्शित करेंगे kh से, इंटू मोल प्रभाज गैस का, गैस का मोल प्रभाज, जहां पे kh को हम लोग k की जगह पर kh आया है तो उसे हम नाम बदल देते हैं, केवल नियतांक नहीं कहते, केवल स्थिरांक नहीं कहते, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं, जहां के एच हेनरी नियम नियतांक है। हेनरी नियम नियतांक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चंस में आपको दी जाएगी। एक दो क्वेश्चन करा देते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं इस पे, है ना, और आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। जैसे प्रश्न इसको नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा लिखने के लिए टाइम कम मिले तो आप वीडियो को पॉज करके लिखने की कोशिश किया कीजिए, हम उतना समय नहीं देते आपको नोट करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं नोट कर देता हूं क्वेश्चन। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो एक लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी, कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलीन होगी एक लीटर जल में। नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए केएच का जो मान है वो 76.48 बार है। तो नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल जल में, एक लीटर जल में विलीन होंगे। तो देखो एक चीज समझिए कि KH का मान, सॉल्यूशन देखें, KH का मान आपको दिया है 76.48 बार, KH का मान गिवन है। और क्या चीज पता है, नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये दिया है 0.987 बार। ठीक है भाई, देखो जो गैस है उसका गैसीय अवस्था में ही आंशिक दाब लिया जाएगा, तो जो आंशिक दाब गैस में होगा उसका वही आंशिक दाब उसका विलयन में होगा, आंशिक दाब में परिवर्तन नहीं होता। तो जब नाइट्रोजन गैस को जल में प्रवाहित किया गया तो जल में भी उसका आंशिक दाब
इतना ही होगा, और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, तो क्या चीज नहीं पता? नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज नहीं पता, नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज। तो सूत्र क्या है? नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब, हेनरी लॉ कांस्टेंट, नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज। ये आपको दिया है 0.987, ये दिया है 76.48, और ये मोल प्रभाज नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोल प्रभाज 0.987 अपॉन 76.48 ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल एक लीटर जल में विलीन होंगे। तो देखिए इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, एक लीटर जल का मतलब कि एक किलोग्राम जल, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वो एकांक होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो एक से गुणा करोगे तो एक ही रहेगा, जितना जल का आयतन है उतना ही जल का भार आएगा। तो जल के मोलों की संख्या 1000 ग्राम, एक किलोग्राम 1000 ग्राम बटे 18, तो ये 55.56 आएगा, ये मोलों की संख्या। नाइट्रोजन के मोलों की संख्या पूछ रहा है, तो ये मोल प्रभाज है ना, तो ये किसका मोल प्रभाज है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। अब देखिए जल के मोलों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बहुत कम होगी, तो इसमें इसको जोड़ोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या हमको पता है, यहां पे लगा दे रहे, तो जल के नाइट्रोजन के मोलों की संख्या क्या होगी? तो ये 0.987 अपॉन 76.48, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना 55.56 ये आ जाएगा। अब ये आया मोलों की संख्या, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है मिली मोलों की संख्या, तो जो आंसर आएगा इसका उसमें 1000 से गुणा कर देंगे, 0.987 इंटू 55.56 इंटू 1000 अपॉन 76.48 मिली मोल्स। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, गुणा भाग करना है इतना आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सीधा कर दिया, इसके बाद वाला इधर है, उसके लास्ट वाला उधर है, नोट कर लीजिए। दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता, CO2 गैस की जल में विलेयता
के लिए के एच बराबर 1.67 इंटू 10^8 पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर, सोडा जल 2.5 वायुमंडलीय दाब पर बंद किया जाता है। तो 298 केल्विन ताप पर घुली CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। बिल्कुल वही सवाल है, CO2 की मात्रा मतलब CO2 के मोलों की संख्या या भार भी ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो एक चीज देखिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का मान पास्कल में दिया है और जबकि आंशिक दाब का मान वायुमंडली में दिया है, तो इसको वायुमंडली को भी पास्कल में बदल लें। एक वायुमंडली 1.01 इंटू 10^5 पास्कल होता है। तो CO2 गैस का जो आंशिक दाब है वो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10^5 पास्कल होगा और KH का मान 1.67 इंटू 10^8 पास्कल है। तो अब मोल प्रभाज बचा, तो मोल प्रभाज CO2 गैस का क्या होगा, आंशिक दाब 2. मल्टीप्लाई कर लें, 25 एकम 25, 2 और ये 25, 2 और 1 3, 2.5 2.525 इंटू 10^5 पास्कल अपॉन 1.67 इंटू 10^8 पास्कल। पास्कल से पास्कल कट गया और ये 10^5 10^8 से कट गया, 10^3 बचा, ऊपर चला जाएगा तो 10^3 ऊपर जाएगा 10^-3 तो 2.525 इंटू 10^-3 अपॉन 1.67 ये मोल प्रभाज आया। अब मोल प्रभाज का जो मान आया 2.525 इंटू 10^-3 अपॉन 1.67 ये होगा CO2 के मोलों की संख्या बटे CO2 के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। मैंने बताया कि जल के मोलों की संख्या इसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इतना ना लिख करके हम सीधे जल के मोलों की संख्या को ही लिख लेते हैं, सीधा जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या देखिए, कुछ दिया है 500 मिलीलीटर तो 500 ग्राम, क्योंकि हमने बताया कि घनत्व तो एक होता है, तो 500 ग्राम बटे 18 या 250 अपॉन 9, या इसको सॉल्व कर लें, इतना मोल। तो 2.525 इंटू 10^-3 अपॉन 1.67 ये वैल्यू इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 27.27 बराबर CO2 के मोलों की संख्या। यही इसका सॉल्यूशन है, आंसर है, CO2 की मात्रा हमको ज्ञात हो गई।
नोट करिए, तो ये चैप्टर, ये विलियन चैप्टर अब आपका खत्म हो गया। अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसके रिलेटेड आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखेंगे तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी है और इंटेक्स क्वेश्चन भी हैं। तो कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में हेनरी के लॉ से मिल जाएंगे, हेनरी नियम से मिल जाएंगे। तो उसको सॉल्व करिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा या अगली क्लास में वो क्वेश्चन ले लूंगा। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।